कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र में का दूसरा दिन है। आपको बताया राहुल गांधी ने पदयात्रा नांदेड़ जिले के बिलोनी से शुरू की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे और आशीष चौहान के साथ में महाराष्ट्र इकाई के कई नेता पदयात्रा में शामिल है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में और पदयात्रा को लेकर काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर राहुल निशाना साध रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जहां आज भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में दूसरा दिन है। तो वहीं भीड़ आप इस समय देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भारी भीड़ के साथ में राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या फिर कहें पदयात्रियों में काफी उत्साह देखा जा सकता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर हाथों में झंडा लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। और बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें समय सामने आ रही है जहां पर बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में लोग लगातार भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा सकता है। आपको जानकारी दे आज 63वां दिन है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का। नांदेड़ के बिलोली से आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसमें कई बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ शामिल हैं।